एक महीना जिसके घर में लाइट और खाना नहीं था, वड़ा पाव खा करके होता था गुजारा। एक ऑनलाइन ऑडिशन ने बदल दी जिंदगी, वो और कोई नहीं बल्कि इमली एक्ट्रेस सुम्बुल तौकीर खान है। वेल, आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ सुम्बुल तौकीर खान की स्ट्रगल स्टोरी, जो कि आपको काफ़ी ज़्यादा मोटिवेट करेगी। इस वीडियो में मैं आपको ये भी बताने वाली हूँ कि स्टार प्लस के सीरियल इमली में सुम्बुल को मेन लीड रोल कैसे मिल गया। तो चलिए बिना इंतजार करवाए आपको इनकी स्ट्रगल स्टोरी बताते हैं, लेकिन उससे पहले प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहें। तो किस बात का इंतजार, वीडियो शुरू करते हैं। तो हेलो दोस्तों, मैं हूँ जोया और आप देख रहे हैं दी कास्टिंग जोया। सुम्बुल तौकीर का जन्म 15 नवंबर 2003 में शाहजहांपुर मध्य प्रदेश में हुआ। उनका होम टाउन कटनी है। कटनी के बाद वो दिल्ली शिफ्ट हुई, दिल्ली के बाद वो मुंबई शिफ्ट हुई। इस दौरान उन्होंने कटनी में भी स्कूल की पढ़ाई की है, दिल्ली में भी और मुंबई में भी। उन्होंने अपने स्कूल और कॉलेज का नाम जो मुंबई का है वो शेयर किया था एक इंटरव्यू के दौरान, तो चलिए आपको वो बताते हैं। NTCC हाई स्कूल मुंबई महाराष्ट्र से सुम्बुल ने स्कूल की पढ़ाई की और फिर निर्मल मेमोरियल फाउंडेशन कॉलेज ऑफ कॉमर्स एंड साइंस में एडमिशन लिया। जब सुम्बुल 6 साल की थी तभी उनके पेरेंट्स का डिवोर्स हो गया था, तब से सुम्बुल अपने पापा और अपनी छोटी बहन के साथ ही रहती हैं। सुम्बुल के पापा एक कोरियोग्राफर हैं और सुम्बुल की बहन एक एक्ट्रेस है। बचपन से सुम्बुल को एक्ट्रेस नहीं बनना था, उनको एक्टिंग फील्ड में नहीं आना था, बल्कि वो एक डांसर बनना चाहती थी। लेकिन उनके पापा चाहते थे कि उनकी बेटियाँ एक्ट्रेस बने, तो पापा के कहने पर ज़बरदस्ती वो ऑडिशन वगैरह देती थी और एक्टिंग फील्ड में काम करती थी, लेकिन उनको डांसर ही बनना था। लेकिन जैसे जैसे उन्होंने एक्टिंग फील्ड में ऑडिशन दिए और काम मिलना शुरू हुआ तो उनको समझ में आ गया कि उनको यही काम करना था, एक्टर ही बनना था। वेल, पहला ऑडिशन उन्होंने दिल्ली में दिया था और उनका वहां पर रिजेक्शन हो गया था क्योंकि एक्टिंग उनको आती नहीं थी, कहीं से उन्होंने सीखी नहीं थी, तो पहले ऑडिशन में ही उनका रिजेक्शन हो गया था। लेकिन धीरे धीरे ऑडिशन दिया और उन्होंने एक्टिंग वगैरह सीख ली। उन्होंने अपनी बहन के साथ DRD लिटिल मास्टर में भी पार्टिसिपेट किया है। फिर कुछ समय के बाद सुम्बुल अपने पापा और अपनी छोटी बहन के साथ मुंबई शिफ्ट हो गए। सुम्बुल का फर्स्ट शो था अकबर और बिरबल, जो कि बिग मैजिक पर आता था। ये शो था एपिसोडिक। उसके बाद सुम्बुल को चंद्रगुप्त मौर्य में रोल मिला और फिर 2003 में जोधा अकबर में मेहताब का रोल प्ले किया सुम्बुल ने। फिर वारिस में काम किया और फिर इशारों इशारों जैसे शोज में भी काम किया। सुम्बुल ने आयुष्मान खुराना की फिल्म आर्टिकल 15 में भी एक छोटा सा रोल किया था, लेकिन वो काफ़ी ज़्यादा छोटा सा रोल था जिसमें उनकी उतनी पहचान नहीं बन पाई थी। अब मैं आपको सुम्बुल का मेन स्ट्रगल बताती हूँ, जब उनके घर में एक महीना लाइट नहीं थी और खाने को कुछ भी नहीं था। दरअसल टेलीविज़न इंडस्ट्री में क्या होता है कि जो भी आप काम करते हैं, मान लीजिए आपने आज काम किया, उसका जो आपको पैसा मिलेगा वो पूरे 90 दिनों के बाद मिलेगा। तो सुम्बुल को छोटे मोटे रोल मिल रहे थे, वो काम कर रही थी, लेकिन पैसा हाथ में नहीं था। इस पर मैंने ऑलरेडी एक वीडियो भी बना रखी है, अगर आपको डिटेलिंग में जानना है तो वीडियो आपको मिल जाएगी मेरे चैनल पर, तो आप देख सकते हैं, आपको उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। फिलहाल सुम्बुल के पास काम था लेकिन पैसा नहीं था, जिसकी वजह से उन्होंने बिल नहीं भरा था, बिजली वाले मीटर लेकर के चले गए थे। तो पूरा एक महीना उनके पास पैसा नहीं था और खाने को कुछ नहीं था। सुम्बुल ने एक इंटरव्यू में बताया था कि वो भी एक बुरा दौर था जब हम वड़ा पाव खा करके गुजारा करते थे, लेकिन कभी कंप्लेन नहीं की क्योंकि मुंबई में कई सारे स्ट्रगलर का गुजारा ऐसे ही होता है। और उन्होंने ये भी कहा था कि जो भी शूट पे मैं जाती थी अपनी बहन को भी ले जाया करती थी, क्योंकि शूट पर खाना मिलता है तो वो भी खा सकेगी। सोचिए, आज वो इतनी बड़ी एक्ट्रेस बन चुकी हैं और उन्होंने इतना ज़्यादा स्ट्रगल फेस किया। अब मैं आपको बताती हूँ कि स्टार प्लस के सीरियल इमली में सुम्बुल तौकीर खान को मेन लीड रोल कैसे मिल गया। वेल, ये स्टोरी भी आपको एक सीख देगी कि अगर आपको अपॉर्चुनिटी मिलती है तो उसको गंवाना नहीं चाहिए, क्योंकि कब आपकी किस्मत बदल जाए।
तो सुम्बुल के साथ भी कुछ ऐसे ही हुआ। एक्टर्स क्या करते हैं, जो एक्टिंग फील्ड में होते हैं वो ऑडिशन वगैरह लगातार देते रहते हैं। हो सकता है कि आज आपने ऑडिशन दिया, उस वक्त आपको रिस्पॉन्स ना मिला, थोड़े वक्त के बाद आपको दूसरे कैरेक्टर के लिए ऑडिशन के लिए दोबारा बुलाया जा सके आपका पुराना ऑडिशन देख करके। तो सुम्बुल ने भी कई सारे ऑडिशन दे रखे थे। सुम्बुल को एक दिन कॉल आया, ये वक्त था कोविड का, उस वक्त ऑनलाइन ऑडिशन काफी ज्यादा चल रहे थे। तो सुम्बुल को कॉल आया कि ऐसे ऐसे आपको ऑडिशन रिकॉर्ड करके भेजना है, स्टार प्लस का शो है और मेन लीड रोल है। तो सुम्बुल को यकीन नहीं हो रहा था, वो सोच रही थी कि छोटे छोटे चैनल के लिए ऑडिशन दिया, छोटे छोटे रोल के लिए, उसमें सिलेक्शन नहीं हुआ है, लगातार रिजेक्शन हुआ है, तो ऐसे कैसे हो सकता है। तो उनको यकीन नहीं हो रहा था, तो वो ऑडिशन देने के लिए भी रेडी नहीं थी। लेकिन वहां पर जिनके साथ थी, उस वक्त वो नागपुर में थी, मुंबई में भी नहीं थी, वो नागपुर में थी। तो वहां पर उनको समझाया गया कि तुमको ऑडिशन देना चाहिए। अब जो स्क्रिप्ट थी वो भोजपुरी में थी, सुम्बुल को भोजपुरी उतनी अच्छी आती नहीं थी, तो सुम्बुल सोच रही थी कि चलो डायलॉग्स तो बोल लेंगे यार, लेकिन एक्सेंट कहाँ से निकलेगा। तो काफ़ी वहाँ पर समझाने के बाद, वहाँ पर उनकी कजन्स थी या फ्रेंड्स थी, उन्होंने उनको समझाया कि तुमको ऑडिशन देना चाहिए, उन्होंने उनकी प्रैक्टिस भी करवाई। तो सुम्बुल ने फाइनली वो ऑडिशन रिकॉर्ड करके भेजा। सुम्बुल ने बताया था कि वो सबसे खराब ऑडिशन था मेरे हिसाब से। अब उन्होंने ऑडिशन तो दे दिया, ऑडिशन के दो हफ्ते तक कोई कॉल नहीं आया, कोई रिस्पॉन्स नहीं आया। एक्टर्स की जिंदगी में ये भी चीज़ बहुत नॉर्मल है, इसलिए मैं हमेशा कहती हूँ कि पेशेंस होना बहुत ज़रूरी है, पेशेंस बहुत ज़रूरी है। तो सुम्बुल इंतज़ार कर रही थी, उनको यकीन तो था नहीं, लेकिन दो हफ्ते के बाद उनको कॉल आया कि हम आपके साथ मॉक शूट करना चाहते हैं। मॉक शूट क्या होता है इसकी भी जानकारी दे रखी है, अगर आपको नहीं पता है कि मॉक शूट क्या होता है वो वीडियो ज़रूर देखें, उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अब सुम्बुल ने उनको नहीं बताया कि वो मुंबई में नहीं, नागपुर में। सुम्बुल चली गई अपनी नेक्स्ट फ्लाइट लेकर के मॉक शूट करने के लिए। जब वो वहाँ पर पहुँची तो उनको थोड़ा फील हुआ कि हाँ पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिल सकता है। अब उनका मॉक शूट हुआ, मॉक शूट के बाद उनको कम से कम 4-5 दिन तक के कोई रिस्पॉन्स नहीं आया, फिर उनके साथ हुआ कोई रिस्पॉन्स नहीं आया, और 4-5 दिन के बाद उनको कॉल आया कि हम आपका फिर से मॉक शूट करना चाहते हैं हीरो के साथ, गश्मीर के साथ, जो उसमें मेन लीड रोल कर रहे थे उस वक्त। तो फिर से उन्होंने मॉक शूट किया और मॉक शूट के बाद फिर से उनको कोई रिस्पॉन्स नहीं आया। फिर कुछ वक्त के बाद उनको कॉल आया एक दिन रात में कि आपका सेलेक्शन हो गया है, और उस वक्त सुम्बुल को बिल्कुल यकीन नहीं हुआ कि ऐसे कैसे हो सकता है। सुम्बुल काफ़ी खुश हो गई, काफ़ी इमोशनल हो गई, अपनी फैमिली के साथ, फ्रेंड्स के साथ, सबके साथ उन्होंने शेयर किया कि देखो मेरा सिलेक्शन हो गया है। वह ज़्यादातर देखा गया है कि सीरियल में मेकर्स गोरे चिट्टे लोगों को ही लीड रोल देते हैं, लेकिन सुम्बुल ने अपनी एक्टिंग और अपनी मेहनत के दम पर इस स्टेरियोटाइप सोच को पीछे छोड़ दिया। एक बात कहना चाहूँगी कि अगर आपके अंदर टैलेंट है और आपके अंदर जुनून है तो आपको कोई नहीं रोक सकता आपके सपनों को पूरा करने से। तो आशा करती हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा, अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।